को चार गो मेहरारू वाला पसंद नहीं है, एक गो मेहरारू वाला पसंद है, समझ गए। मुख्य सारे पवन सिंह जिस प्रकार से कमर हिलाते हैं उनका कॉपी जो है बॉलीवुड में किया जाता है। पवन सिंह कमर हिलाते नहीं है, खाली कूदते हैं स्टेज पर। की नजर में स्टार कौन? पवन सिंह खेसारी। देखिए दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, खेसारी भी अच्छे हैं, पवन भी अच्छे हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि मुझे कौन पसंद है तो मुझे तो पवन सिंह पसंद है। पवन सिंह का बॉलीवुड में गाना आता है और आते ही जो है ट्रेंडिंग सेक्शन दो पे चल रहा है, और पवन सिंह का जो है फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गया कि लगातार जो है ट्रेंडिंग गाना गाते हैं। पवन सिंह का गाना सुनी है? बिल्कुल सुने हैं। कैसा लग रहा? काफी अच्छा गाना है। काफी अच्छा गाना, बिल्कुल अच्छा। पवन सिंह ही अच्छे हैं, पवन सिंह का आवाज ही अच्छा है, तो गाना कैसे नहीं अच्छा होगा। आते जो है 24 घंटे में 28 मिलियन व्यू। अरे तो भाई पिछले बार भी उनका बॉलीवुड में गाना आया, हिट कर रहा है गाना। अब देखिए इसमें तो लास्ट में वो खुद आए भी है, तो पवन सिंह अब बॉलीवुड पे भी राज करेंगे और क्या। हाँ, बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि राजकुमार राव जो एक्टर है वो पवन सिंह के चलते जो है फेमस हो रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के चलते फेमस हो रहा है, सबका अपना अपना टैलेंट है। देखिए स्त्री पिक्चर आया था उसमें सबका अपना अपना टैलेंट है और सब काफी अच्छे फेमस चेहरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के वजह से कोई वायरल हो रहा है। पहली बार पवन खेसारी में से पवन सिंह जो है हिंदी की हीरोइन के साथ नाच रहे हैं, मतलब बॉलीवुड के हीरोइन के साथ नाच रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है जो पवन सिंह पे आरोप लगाते रहती है, तो क्या लगता है अब हिंदी में भी लोग जो है आरोप लगाएंगे पवन सिंह पे? देखिए आरोप तो बॉलीवुड के यशराज पे भी लगाया जाता है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन जो उनका जो पर्सनल जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों अलग होता है, और प्रोफेशनल जिंदगी में उनका है कि वो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको काम मिलता है। लोग गाली देने के लिए मोदी जी को भी देते हैं, राहुल गांधी को भी देते हैं, लेकिन पसंद करने वाले मोदी जी को भी पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी को भी पसंद करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा आपके नजर में स्टार कौन? पवन सिंह खेसारी। देखिए दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, खेसारी भी अच्छे हैं, पवन भी अच्छे हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि मुझे कौन पसंद है तो मुझे तो पवन सिंह पसंद है। खेसारी लाल क्यों नहीं? खेसारी भी अच्छे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पसंद कौन है, तो मुझे पवन सिंह पसंद है। पवन सिंह? हाँ पवन सिंह ही पसंद। सिंह का क्या पसंद है? पवन सिंह का आवाज ही बहुत अच्छा लगता है। आवाज ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आवाज जो गाना है इसके बारे में क्या बोलो? गाना अच्छा गाना है भाई, इसमें गाने में यही दिखाया जा रहा है कि उसकी बीवी मायके चली जा रही है, उसी पे ये गाना गाया गया है। कोई लोग है जो गाना का नाम चुम्मा है तो उसमें अलबल चीजें निकाल रहे हैं, तो भाई बीवी उसकी बीवी मायके गई है तो अपनी बीवी को मिस कर रहा है, बीवी को ही ना मिस कर रहा है, तो गाने में तो कुछ खराबी है नहीं। पहले देखा जाता था भोजपुरी में लोग चोली ढोली लहंगा से ऊपर नहीं उठ पाते थे, तो क्या लग रहा है पवन सिंह इस बार? गाना नहीं ना है, हिंदी गाना। ये तो हिंदी गाना है, भोजपुरी लकीर खींच दिया। हाँ लकीर खींच दिया, ये भोजपुरी गाना थोड़ी, तो हिंदी गाना है। बॉलीवुड में लकीर खींच? हाँ बिल्कुल लकीर खींच दिए, और लोग पसंद कर रहे हैं पवन सिंह को जी, हर जगह पे। देखिए स्त्री पिक्चर आया था, स्त्री पिक्चर में जिस गाने पे सबको झूमा वो किसका गाना था? पवन सिंह का। लड़कियां जैसे पिक्चर खत्म होता है वो गाना जब बजता है तो अपने अपने सीट से जाके क्या बोलते हैं पर्दा के सामने जाके सबको डांस करने लगती है, करने लगती है कि नहीं करने लगती है? तो पवन सिंह भाई स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है, पावर स्टार है। सही बात है भाई, पावर अजय से शुरू हो वेला, पावर अजय से शुरू हो वेला, लकीर भी खींच दी, बिल्कुल खींच दिए है। भोजपुरी के लोग उस पे रहेंगे? भोजपुरी के लोग उनमें भी टैलेंट है तो वो भी आगे जाएंगे, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं। आपके पास खेसारी लाल के पास टैलेंट है तो वो भी आगे जाएंगे, उनको भी मिलेगा बॉलीवुड में चांस, लेकिन पवन सिंह बहुत अच्छा सिंगर है इतना पता है। पवन खेसारी में कौन अच्छा सिंगर? सर खेसारी सही है, खेसारी सही है, खेसारी सही है, पवन सिंह खेसारी। हमको चार, ए सुनिए ना ए भाई ए, हमको चार गो मेहरारू वाला पसंद नहीं है, एक गो मेहरारू वाला पसंद है, समझ गए। वो खेसारी फिर भी गाना आते जो है ट्रेंडिंग कर रहा। हम तो कहते हैं कि एक बार एक स्टेज पे पवन सिंह और खेसारी लाल कमर हिला के बता दे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि पवन सिंह का कॉपी जो है, पवन सिंह जिस प्रकार से कमर हिलाते हैं उनका कॉपी जो है बॉलीवुड में किया जाता है। पवन सिंह कमर हिलाते नहीं है, खाली कूदते हैं स्टेज पर, कूदते हैं। कूदना जो है बॉलीवुड के? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, जो कुमार राव वही है। अरे नहीं, जो अगर कर दीजिए खेसारी लाल यादव कर देगा। सुने किसका?
पवन सिंह का जो गाना है हम नहीं सुने तो आप नहीं देखे। ठीक है सुने, ठीक है आप सुने। हाँ सुने हैं। कैसा लगा? हम कौजी बोल रहे हैं, जय छपरा जय खेसारी लाल यादव, समझे? कहियो पवन सिंह खेसारी लाल यादव नहीं हो सकता है, कभी पवन सिंह खेसारी नहीं हो सकते। हाँ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बुड़ी क्या क्या किंग है खेसारी लाल यादव, समझे जी? पवन सिंह नहीं है, नहीं है कभी पता है कि जो लकीर खींच देते उसी पे सब जी छपरा का, छपरा के सपोर्ट करेंगे, छपरा को सपोर्ट करेंगे जी। हम आरा के नाते सपोर्ट कर रहे हैं ना, दिल के नाते, आरा के लोग ना दिल के नाते सपोर्ट कर रहे हैं कि आप पवन सिंह के पहले भोजपुरी कोई गायक नहीं था जो बोलते हैं कि लकीर खींच दिए, कोई गायक नहीं था तो अभी भी बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में जाके लकीर। अरे ये स्टार है, कोई भी बोल सकता है, हम ही रहते तो हम बोलते कि हम ही लकीर खींचे, तो हमारे सामने कोई बोल सकता था? नहीं बोल सकता था, समझे? चलिए तो ये आम लोगों का कहना है कि पवन सिंह और खेसारी में कौन है बेहतर, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये गाना अगर नहीं सुने तो एक बार जाकर से सुन सकते हैं आप, टी सीरीज पे जो है गाना आते ही ट्रेंड कर रहा है पवन सिंह का चुम्मा वाला सॉन्ग। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय बिहार।